कहावत है, कहते हैं जिस पर यूपी मेहरबान वो दिल्ली का सुल्तान। ये यूपी तय करेगा कि हिंदुस्तान की सियासत में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की वापसी होगी या उनके विरोधी उनको सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होंगे। जिसने 2019 की राजनीति को, चुनावों को इतना दिलचस्प बनाया है, उत्तर प्रदेश की जमीन में बीएसपी के साथ गठबंधन करके वही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव आज हमारे साथ है। स्वागत है आप दोनों का आज तक। नमस्कार। प्रीति हमारी सहयोगी भी हमारे साथ रहेंगी, लेकिन पहला सवाल मैं ही दाग देती हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, आप लोगों ने गठबंधन किया है और आप सीधे मोदी को ललकार रहे हैं। आधी से ज्यादा सीटों पर यूपी में चुनाव खत्म हो चुका है, महागठबंधन क्या ऐसी ताकत बन पाएगा कि आप मोदी को ललकार पाएंगे, हटा पाएंगे? देखिए, अगर हम देखें सीटों का हिसाब किताब, और अगर आज भी हम उत्तर प्रदेश की सीटें भारतीय जनता पार्टी के संख्या में से हटा दें तो आज भी उनकी सरकार बहुमत की दिल्ली में नहीं है। और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें देता है, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर, एक नई उम्मीद जगाई लोगों के अंदर अच्छे दिन को लेकर के। नौजवानों को लगा कि शायद ये सरकार कुछ बदलाव लाएगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, तो लोगों ने जितना वोट दे सकते थे दिया वोट, और इतना वोट किसी दल को नहीं मिला होगा अभी तक। और वहीं जो निराशा है, जो 5 साल का भेदभाव देखा, और उसी का परिणाम है कि हमें और बहुजन समाज पार्टी को, दोनों को मिलकर के उन लोगों की आवाज़ बने हम जिनको धोखा मिला, जिनके साथ साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो गिनती का हिसाब किताब है, हमने अपना ठीक किया और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प है। हम किसी व्यक्ति को नहीं हटाना चाहते, सवाल ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का सवाल हो, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दुख दिया है, परेशानी दी है, इसलिए गठबंधन बना है, ये जनता का गठबंधन है। अखिलेश जी, एक चीज़ बताइए कि कभी इल्म था कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक बसपा का झंडा लहराएगा? एक नहीं, दो, एक दो, दो, हाँ, गिनती की बात हुई तो दो। ये क्योंकि कार्यक्रम हो चुका है, उसके बाद हम और आप मिल रहे हैं। अगर शायद पहले मुलाकात होती तो यहाँ पर सपा और बसपा के दोनों के झंडे बराबर आप देखते। आपको आपने कभी सोचा था कि ऐसा गठबंधन होगा? जिस तरह से आप अपने परिवार में ही देख रही थी मुलायम सिंह यादव को ललकारते हुए, मतलब जो न बातें हुई हो, अब झंडा यहाँ पर उनका आज लहरा रहा है। नहीं, जैसे कि आपने, अखिलेश जी ने कहा अभी कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था उससे पहले यहाँ पे इक्वल अमाउंट दोनों बस बैटिंग कर रही है ना, झंडा मतलब ठीक है ना, ठीक है, क्या बैकफुट पर जाना है? अब तो आपने साझा ही कर लिया है मामला पूरा। नहीं, गठबंधन इसलिए भी जरूरी था कि जहाँ उत्तर प्रदेश में जब लोगों ने सरकार बनाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार बन गई, अगर दो दो सरकारें हों और डबल इंजन की सरकार हो, उसके बाद काम ना हो पाए। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी उपलब्धि क्या है। अगर हम शौचालय हटा दें, एक गैस सिलेंडर हटा दें, तो क्या उपलब्धि है यूपी के लिए? अगर देश को प्रधानमंत्री दिया यूपी ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया यूपी को? अरे, यहाँ की जनता तो इंतज़ार कर ली थी शायद बुलेट ट्रेन मिले उन्हें, लेकिन बुलेट ट्रेन यूपी को नहीं मिली। मैं उस समय की वो बात याद करता हूँ, क्योंकि जिस दिन शिलान्यास करा जा रहा था बुलेट ट्रेन का, उस दिन भाषण में ये बात कही गई कि अगर गति मिलेगी तो इससे प्रगति आएगी। लेकिन प्रगति किसको चाहिए? अगर हम दिल्ली से चलें लखनऊ, लखनऊ से चलें पटना, पटना से चलें बंगाल, कलकत्ता तक, सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं। आप बुलेट ट्रेन उनको दे रहे हो जो पहले से संपन्न है। आज आप देखिए दिल्ली से अहमदाबाद कितनी फ्लाइट हैं, दिल्ली से सूरत कितनी फ्लाइट हैं, जो संपन्न इलाका है उसके लिए बुलेट ट्रेन। और अगर प्रगति वाकई में देनी थी तो बुलेट ट्रेन शुरू होती दिल्ली से और कलकत्ता तक जाती, तो शायद देश की प्रगति ज़्यादा दिखाई देती। अखिलेश जी, आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, अब ये बताइए यूपी का वोटर ये जानना चाहता है ये शुरू कैसे हुआ, किसने इनिशिएट किया, सपा ने, बसपा ने या मोदी ने? ये उस बात को इसलिए नहीं समझेंगी क्योंकि जो किया मैंने है, तो मैं ज्यादा बेहतर समझा सकता हूँ। आपने इनिशिएट किया है क्योंकि भाई इलेक्शन था और वो भी गोरखपुर का इलेक्शन था, मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि वो क्षेत्र से नहीं हार सकते हैं क्योंकि डिंपल भी हारी थी एक बार, तो मैंने कहा कि शायद अगर हम इस तरह का कोई गठबंधन बनाएं और जिस गठबंधन में सभी का सहयोग मिल जाए और वोट की गिनती ठीक हो जाएगी,
तो चुनाव का परिणाम दूसरा होगा। इसलिए गोरखपुर में मैंने शुरुआत की, फूलपुर में वही परिणाम हुआ और कैराना वो जगह जहां पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने नफ़रत फैलाई थी, लोगों के बीच में नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी थी, इस गठबंधन ने नफ़रत की दीवार को गिरा दिया। तो जब बाई इलेक्शन में अच्छी बात निकली, वोट एक दूसरे को दे सकते थे, तो मैंने कहा ये बात अब आगे भी बढ़नी चाहिए क्योंकि यूपी देश की राजनीति तय करता है। चलते चलते एक सवाल, महामिलावट कहते हैं प्रधानमंत्री, वो कहते हैं पानी और तेल मिल गया है, वो उन्होंने आज तक के ही इंटरव्यू में कहा है। देखिए स्वाभाविक है क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर के नहीं काम किए हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उन लोगों को जो इस गठबंधन को महामिलावटी गठबंधन कह रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर दो दलों से समाजवादी पार्टी का मिलना महामिलावट है तो न जाने कितने दल भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कौन सी मिलावट बोली जाएगी, न जाने कौन सी मिलावट होगी, वो उसका तो नाम भी नहीं है उस मिलावट का। चलिए गठबंधन की बात करेंगे, पर डिंपल जी आपसे बात करते हैं, कन्नौज का चुनाव हो चुका है, 2012 में अनकंटेस्टेड आप जीती थी वहां पर, 2014 में टफ फाइट हुई, इस बार कह रहे हैं बहुत मुश्किल है निकालना सीट। नहीं, इस बार मुश्किल तो नहीं हुआ क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है और जितना भी प्रशासन का भी उन पर दबाव रहा है, मैं समझती हूँ हमारे 100 नेताओं को रेड कार्ड इशू करे गए हैं हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूंसी में, और प्रशासन की तरफ से पूरी ये कोशिश की गई है कि वोट ना पड़ पाए, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारा एक एक वोट बसपा के और सपा के कार्यकर्ताओं को डलवा दिया है, और जब रिजल्ट आएंगे तो आप ये देखेंगे। चलिए दफ्तर से निकलते हैं और शहर में पहुँचते हैं कि लखनऊ शहर क्या कह रहा है। अखिलेश जी, आपके मैस्कॉट घूम रहे हैं आजकल आपके साथ, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह लगते हैं। मैं ये जा रहे थे गोरखपुर, तो मैंने कहा गोरखपुर मत जाइए, हमारे साथ आइए। तो भाई नकल भी करते हैं पूरे? नहीं, मैं नकल नहीं करता हूँ, वो मेरी नकल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समाजवादी दफ्तर के बाद, जी हाँ, पार्टी दफ्तर के बाद अब लखनऊ शहर की बारी है। अखिलेश यादव और डिंपल हमारे साथ निकल रहे हैं और प्रीति हमारी सहयोगी, शहर भर घूमेंगे और सवाल दागेंगे। जो नारे बाहर लग रहे थे उन्हीं से शुरू करूंगी। एक तो ऑफ कोर्स मैंने सुना है जय जय अखिलेश हर जगह, ये जवानी तेरे नाम अखिलेश भैया, नहीं नहीं ये जवानी है कुर्बान, आप ही बताओ है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। हाँ हाँ, मतलब काफी पॉपुलर है क्या लेडीज में भी? नहीं नहीं, लेडीज के मतलब मुंह से तो मैंने नहीं सुना है, इट्स मोर ऑफ लाइक बॉयज हू एंड यूथ, यू नो बेसिकली हू से यूथ। असल में ये नारा अपने आप बनाया यूथ ने, लेकिन ये आपको मैं साइकिल ट्रैक दिखाऊंगा जो अब डिफंक्ट हो गया, पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं नहीं, पार्किंग के बाद बनाया था और हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि साइकिल ट्रैक से एक तो इंक्रोचमेंट ना हो, हाँ, और जो पार्किंग का स्पेस था वो खत्म ना हो, और इसके लिए हम लोगों ने सेम बंदा जो नीदरलैंड में सरकार को टेक्नोलॉजी के पार्टनर बना हुआ है, जो उनको राय मशवरा देते हैं, उसी बंदे को मैंने यहाँ रखा, उन्होंने डिज़ाइन किया लखनऊ के लिए, नोएडा के लिए काम शुरू हो गया था। लखनऊ में कम से कम मैं बना चुका था 60 किलोमीटर साइकिल ट्रैक, लेकिन सरकार जाने के बाद वो काम जैसा था वैसा ही रुक गया। वही मैं कहने वाली थी कि अभी दादर साइड, और मैंने कोशिश ये की थी कि ट्रीज के बीच में रखें उसको, जिससे अगर वो समर्स में भी चलना चाहेंगे तो शेड उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा वेदर बड़ा अलग तरह का है वेदर। अखिलेश ये बताइए मेट्रो किसने शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर मैं उसका मेट्रो का पूरा सब बता सकता हूँ क्योंकि राइट फ्रॉम डे वन मुझे उसकी हर चीज पता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय, कभी सोचा गया था कि लखनऊ में मेट्रो बननी चाहिए, कुछ फाइल मूव की लेकिन फाइल बंद हो गई उसके बाद। जब हमारी सरकार आई उस समय चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी जी और मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राकेश गर्ग, उनसे मैंने कहा कि लखनऊ में क्यों नहीं हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उस समय बहुत सारी बहस हुई कि कैसे होना चाहिए क्या हो,
उस समय डिसीजन लिया था, समाजवादी सरकार थी, मैंने डिसीजन लिया था, ये दो अधिकारियों में बहुत चर्चा एक दूसरे से हुई, फाइनली मेट्रो की बात हुई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल कुछ वो बियर करते हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक पॉलिसी के तहत हमने उसको रखा, अप्रूवल नहीं हुआ था, शिलान्यास मैंने कर दिया। और मैंने यहाँ तक शिलान्यास किया कि अगर मुझे फंड नहीं देगी दिल्ली की सरकार तो कम से कम फर्स्ट फेज का हम अपने बजट से कर सकेंगे। और उस समय मैंने श्रीधन जी से बात की और उन्होंने उनसे मैंने कहा कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप सरकार को राय दें, मुझे राय दें कि कैसे जल्दी हम मेट्रो बना सकें। उन्होंने स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि जिस दिन मैंने शिलान्यास किया था उस दिन वो नहीं आ पाए थे, लेकिन अपने गाँव में थे, गाँव से उन्होंने हम लोगों से बातचीत की, पब्लिक के सामने बात की और वो फैसला रहा, उसके बाद हमने मेट्रो बनाई। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि काम, अभी जैसे हम बस में बैठे हैं आप खूब काम दिखा रहे हैं हमें, पिछली बार का आपका नारा था काम बोलता है, लेकिन उनने साथे आते धर्म और जाति बोलती है। इनफैक्ट मैंने जो साइकिल ट्रैक बनाया है उसमें प्लांट्स भी कम से कम सेलेक्ट किए कि लखनऊ शहर में, मैं वेलकम टू दैट, मैं उस पे आऊंगा कि कम से कम लखनऊ शहर में एक ब्लूमिंग सीजन हो, कि अगर ये सीजन है तो ये फ्लावर्स दिखेंगे आपको लखनऊ में। पर क्योंकि रिबन तो हम राजनाथ सिंह को काटते हुए देख रहे हैं। जो बात आपने कही और जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि सरकार का वक्त चला गया, हमें जनता ने मौका नहीं दिया। जो लोग सरकार में थे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का NOC लाए, शुरुआत हम लोगों ने की थी, बाकी और सरकार ने की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए अपने एक भी भाषण में ये नहीं कह पाए कि उन्होंने बनाई है मेट्रो। ये कौन श्रेय देता है, पॉलिटिक्स का तो यही हाल है। तो मैं जो बात आपने जो पूछा वही मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डेवलपमेंट कब इमोशनल इशू होगा, क्या जात और धर्म ही इमोशनल इशू बन के रह जाएंगे। इसीलिए पिछली बार मैंने कहा था कि हमारा काम बोलता है। इस बार क्यों नहीं बोल रहे, यही तो मेरा सवाल है। आप भी ये समझ गए कि धर्म और जाति। पिछली बार क्योंकि BJP ने, हम काम पर बोल रहे थे, वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे। जब मैंने कहा कि हम मेट्रो बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, तब वो लोग आपके कब्रिस्तान और शमशान की बात किए, दिवाली और रमजान की बात किए। तो जो मुद्दे थे वो मुद्दे नहीं आए, क्योंकि वो बहुत आसान था चुनाव लड़ना उन मुद्दों पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके स्ट्रेटजी के तहत जनता को गुमराह किया। और तो इस बार आपकी स्ट्रैटेजी हो गई कि बसपा से मिल जाओ। और मैंने कहा कि विकास के साथ कुछ ग्लू चाहिए है, ये जो सुंदर दिख रहा है एंट्री ऑफ लोहिया द्वार, ये भी समाजवादियों की बनवाई हुई है, ये पूरी सड़क हमारी बनाई हुई है, और वो ग्लू कास्ट पॉलिटिक्स है अखिलेश। तो ग्लू लोग कैसे चिपके हैं, मैं कास्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है कि अगर हम कुछ पॉलिटिक्स करें, दोस्ती करें, तो आप हमें कास्ट वाली बात कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग करें, मेरे पास अखबार है, मैंने पढ़े हैं वो, उसमें सोशल इंजीनियरिंग बोला जा रहा था। BJP जब उत्तर प्रदेश में जीती तो कहा कि देखिए कैसी वोट मशीन है BJP के लीडरशिप। तो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करें तो सोशल इंजीनियरिंग। उनका तो वन टू टेन मोदी है और वो ये कह रहे हैं कि लहर ना भी हो, एक अंडर करंट है जिसकी वजह से जितना कास्ट अरिथमेटिक आप करेंगे, एक बार डिम्पल जी को भी बोलने दीजिए, कास्ट अरिथमेटिक जितना भी करेंगे, ये जो मोदी है 1 to 10 है और वो लहर, वो अंडर करंट अभी भी काम कर रहा है। मेरा जो मानना है कि लोग समझ चुके हैं कि भाजपा की जो 5 साल केंद्र में रही है और 2 साल जो हमारी राज्य की सरकार रही है, कोई काम नहीं हुआ है। और अब लोगों ने देख लिया है कि एक 5 साल का शासन ऐसा रहा है जहाँ पे लोगों को सहूलियत पहुँची है, सुविधाएं पहुँची हैं, और लोग अब इस बात को समझ रहे हैं, मेरा मानना है। क्योंकि हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो हम लोग जब भाषण खत्म कर चुके थे तो एक आदमी बहुत जोर के हाथ हिला हिला के कह रहा था कि हमको ऊपर बुलाइए। हमने उसको बुलाया तो हमने कहा क्या बात है, तो बोलिए आप अपने भाषणों में कही है कि 102 जो सेवा है एम्बुलेंस की, जो समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू करी गई थी, ये भी अब इस शासनकाल में मतलब ठीक ढंग से लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही है, तो अपने भाषणों में इसका भी प्रयोग करिए। तो मैं समझ रही हूं लोग समझ चुके हैं जो स्कीम चलाई गई थी। ये फुटओवरब्रिज भी हमारा ही बनाया हुआ है जी, और इसे साइकिल भी चल सकती है। मतलब आप फुटओवरब्रिज पर भी समाजवादी पार्टी के? नहीं नहीं, आई एम सेइंग राइट फ्रॉम माय पार्टी ऑफिस। ये तो सरकारों का काम है कि वो शहरों को दमकाए। सरकार हमारी थी, लेकिन काम क्यों नहीं बिकता है? हम ये कहते हैं कि वो क्यों नहीं काम क्यों नहीं बिकता है? BJP ने जात और धर्म पे पॉलिटिक्स की और आपने उस पर स्वाहा कर दिया। आपने नहीं स्वाहा नहीं किया, हमने उन्हीं से सीखा, सीख लिया हमने उनसे सीखा। सोचिए
मोदी का ऐसा इफेक्ट हो गया हिंदुस्तान पर? नहीं, उनका इफेक्ट नहीं है, समाजवाद पलट गया। नहीं, उनका इफेक्ट नहीं है, वो खुद कंफ्यूज हो गए। वो ये कहते हैं कि हम बैकवर्ड है, क्या अति बैकवर्ड है, वो खुद कंफ्यूज है। आप कहते हैं वो कागजी बैकवर्ड है। नहीं, हमने तो कहा, आपने बोला था, हमने कहा हम तो जन्म से बैकवर्ड हैं। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री हमें कह रहे थे कि अगर देश में संविधान ना होता तो मैं भैंस चरा रहा होता। सोचिए, नेताजी मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, मैं इस प्रदेश में काम कर चुका हूँ 5 साल। मैंने एक्सप्रेस वे बनाया, मैंने वर्ल्ड के दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप बच्चों को बांटा, 18 लाख लैपटॉप बांटे। मुझे कह रहे हैं कि मैं भैंस चरा था। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में लोग हैं, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई थी, उनके दिमाग में भी वही बात घुसी हुई है। अभी निकलने में वक्त लगेगा, और जिस दिन निकल जाएगा उस दिन के बाद विकास पे ही राजनीति होगी। ये 1090 है जहां 8 लाख लड़कियों की मदद की है, 8 लाख, ठीक है, और ये BSP का काम है। कभी सोचा था कि मायावती का काम, मायावती का काम, ये BSP का काम है, वो सपा बसपा का, दोनों का काम है, मायावती और BSP के नाम पे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, देखिए मोदी को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। आपको लगता है कि गठबंधन के पास वो स्ट्रैटेजी है? डेफिनेटली स्ट्रैटेजी है, और जितने भी फेसेस अभी तक हुए हैं, 4 फेज हो चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो गठबंधन के जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। तो स्ट्रैटेजी तो है, और सॉलिड स्ट्रैटेजी है इस बार। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछूंगी, आप कह रहे हैं एक्सप्रेस वे बनाया, फुट ओवर ब्रिज बनाया, अभी आपने 3-4 और चीजें, ये BSP का काम है, अभी BJP का एक काम नहीं आएगा अभी तक। चलिए, आपने फुट ओवर ब्रिज बनाया और बहुत सारी चीजें बनाई, गठबंधन भी आपने बनाया, रिवर फ्रंट बनाया अहमदाबाद से सुंदर, गठबंधन भी आपने बनाया, अभी गठबंधन सहयोग मिला। तो अब ये बताइए, गठबंधन जो आपने बनाया है अभी बसपा और आपका, एंड इट्स नॉट अबाउट वर्क, इट इज आल्सो अबाउट द टाइम दैट हैज बीन टेकन। ये जो रिवर फ्रंट है, यहाँ पे खाली 2.5 साल में तैयार हुआ है, जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो भी 2.5 साल में तैयार हुआ है, जो मेट्रो है वो भी 2.5 साल में तैयार हुई है। तो इस तरह के काम पूरे देश में जहाँ 10-10 साल लग जाते हैं, वही काम 2.5 साल में होके खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं हो सकता है, यही मेरा सवाल था। आप अभी समझा रहे थे कि देखिए कि एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, और देखिए सड़क पे आते आते आप बोलते हैं रिवर फ्रंट और कहीं नहीं बना है, और रिवर फ्रंट देश में इतना बड़ा कहीं नहीं बना है, सेंटर में है ना। नो, नहीं, उनके, मैंने कहा कि व्यक्ति से लड़ाई नहीं है हमारी, व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो BJP है, ये मेरा क्या इसमें है, मेरा कोई घर वाला थोड़ी बैठा है, ये कितने लोग बैठे हुए, देखिए आप नदी के किनारे सब लोग बैठे हुए, नदी के किनारे, नदी तो शांत है लेकिन नीचे अंडरकरंट है क्या? मोदी अंडरकरंट नहीं, उनका अंडरकरंट नहीं है इस बार, जाने का उनका अंडरकरंट बहुत है, क्योंकि पानी रुकता नहीं है, नदी का पानी बहता है, तो जो अंडरकरंट है वो इस बार उनको बाहर करने वाला करंट है। अच्छा, जो करंट आपने क्रिएट किया है, जो क्रिएटेड करंट है, जो कभी पहले पॉसिबल ही नहीं था बसपा और समाजवादी पार्टी का आना, अब क्या ये आपको डिविडेंड्स देगा? क्या जो आप सोच रहे हो वो ट्रांसफर होगा? मुसलमान क्या मायावती को वोट करेगा? यादव क्या? सवाल मुस्लिम का नहीं है, सवाल यादव का नहीं है। मैंने कहा कि ये महापरिवर्तन, मैंने ये कहा कि महापरिवर्तन सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, और इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजादी के इतने दिनों के बाद भी, जो उन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला है उनको, वो अभी भी आजादी के बाद बैठे हैं। सोचो, अगर हम दुनिया में तुलना करें दूसरे मुल्क से, हम कितने पीछे हैं। पर पॉलिटिकली ट्रांसलेट होगा कि नहीं अखिलेश? होगा, आपको लगता है? आपको लगता है इस बार मुसलमान मायावती को वोट करेगा और कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा? सवाल मुस्लिम का नहीं है, सवाल जो गरीब हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं, मैं समझता हूँ वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटा रहे हैं। सवाल कैसे नहीं है मुस्लिम वोट का? मायावती जी पर 48 घंटे का बैन लगा क्योंकि उन्होंने कहा मुस्लिम एक साथ हो गए, ये वोट बटने वाला डर तो कहीं है अंदर? देखिए, जो उन्होंने कहा उसका जवाब भी उन्होंने दिया, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 48 घंटे के लिए रोका था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम बट रहा है या उनके बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि नहीं वोट बटना चाहिए। तो अगर है ना अंदर? नहीं, डर नहीं था, ये हम बता रहे थे उनको कि आप बटिए नहीं, लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म ही पूछो वोटर का। नहीं, धर्म नहीं, लोग तो यहाँ जात पूछ रहे हैं। पर आपने पूरे समीकरण तो जो महागठबंधन, इसलिए मैंने कहा कि ये रिवर फ्रंट जो बना है सुंदर, ये BSP की सरकार के समय बना है, आदरणीय मायावती जी ने बनाया है, यहाँ BJP का काम क्या है? चलिए रिवर फ्रंट देखते हैं।
अखिलेश यादव के साथ अब हम उस गोमती रिवर फ्रंट की सैर करने के लिए निकले हुए हैं, जिसको लेकर वो दावा करते रहे हैं कि काम बोलता है। और मेरे दाहिनी तरफ है मायावती जी की ओर से बनाया गया अंबेडकर पार्क। अखिलेश जी ने यहाँ पर बहुत काम करवाया है। अखिलेश, कैसे आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ काम बोल रहा है लखनऊ में? देखिए, ये क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम हुआ, वो ऊंची बिल्डिंग जो दिख रही है लाल, समाजवादियों की बनाई हुई है, हेलीपैड है, लेकिन इस सरकार ने काम रोक दिया। ये पूरा रिवर फ्रंट जो बना है यहाँ पर जी, किसी शहर में ऐसा रिवर फ्रंट शायद ही बना हो। और क्योंकि दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से में जब जाते हैं तो दिखता है कि उनके शहरों में कितना अच्छा रिवर फ्रंट है और नदी साफ बहे शहर के अंदर। आ रही है यहां से वो स्मेल, इसलिए आ रही है कि बीजेपी के लोगों ने केवल 900 मीटर सड़क वो जोड़ा नहीं है रिवर फ्रंट को। अगर 900 मीटर जिस दिन जुड़ जाएगा उसके बाद ये पहली नदी शहर के अंदर होगी जो बिल्कुल साफ बहेगी। इसको लेकर लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जांच भी चल रही है। देखिए, उनके वो जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष को क्या दिखाएंगे, कैसे दबाएंगे इसमें। अगर कोई वजह से कुछ हुआ होगा तो इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और इधर अंबेडकर पार्क, इसको लेकर भी जब आपकी मायावती की सरकार थी, आपस में दोनों में दरारें और इसकी खबरें आती रहती थी, और जो हाथियां यहां पर दिखाई दे रही हैं उनके सूंड को लेकर, उनको भी लेकर आपकी बड़ी सारी टिप्पणी आई थी सामने। वो ये क्योंकि हम दोनों लोग अलग अलग पार्टी थे, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए क्या कहना है, किस तरीके से कहना है जनता के बीच में हम लोग कहते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है, आज साइकिल और हाथी दोनों साथ साथ हैं और दोनों मिलकर के इस देश में नई दिशा राजनीति को देने जा रहे हैं। मैडम अखिलेश जी, आपसे मेरा सवाल ये कि आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि मायावती को बेवकूफ बना रहे हैं अखिलेश दरअसल, और इस गठबंधन का नतीजा क्या होगा ये 23 मई को पता चल जाएगा जब दुश्मनी पार्ट 2 शुरू होगी। देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी को छोड़ दूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था गठबंधन होने से पहले कि मुझे चाहे दो कदम पीछे जाना पड़े मैं गठबंधन बनाऊंगा, और मैं आज कहता हूं कि ये गठबंधन रहेगा क्योंकि आम लोग, गरीब लोगों का ये गठबंधन है। जो वो सोच रहे हैं बीजेपी के लोग कि 23 मई के बाद ये गठबंधन नहीं होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो जान गए हैं कि जनता अब गठबंधन के साथ है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन आप ही ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अब से करीब 2 महीने पहले मार्च में ये कहा था कि कांग्रेस के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं है, आप गठबंधन उनके साथ करेंगे या नहीं। इन 2 महीनों में अखिलेश जी, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस से एकदम ही कन्नी काट ली, महागठबंधन में उन्हें शामिल करने का ना फैसला किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से सोचती है। जिस समय गठबंधन की बात चल रही थी बहुजन समाज पार्टी से मध्य प्रदेश में, उन्होंने गठबंधन नहीं किया, तोड़ दिया। उसके बाद वही कांग्रेस के लोग मुझसे बात चाहते थे कि मैं गठबंधन कर लूं। मैंने उनसे कहा कि बिना बहुजन समाज पार्टी के मैं गठबंधन नहीं कर सकता हूं। और उसके बाद 3 सरकारें जो बन गई कांग्रेस की, उसके बाद उन्होंने किसी को पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और जब पीछे मुड़ के नहीं देखा तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। कांग्रेस को केवल 2 सीटें हैं जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और रायबरेली। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं उनको देखता हूँ, कांग्रेस को पलट के देखता हूँ, तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखिए, एक तरफ अमेठी में जहाँ प्रियंका गांधी का स्वागत आपके ही कार्यकर्ता आपके ही मन से करते हैं, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से अलग है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपा बसपा के गठबंधन में 2 कांग्रेस को सीटें दी गई है, 1 रायबरेली, 1 अमेठी। और रायबरेली में अगर उन्होंने ये मांग की होगी कि हमारे कार्यकर्ताओं से आपके कार्यकर्ता मिल जाएं और चुनाव में हमारी मदद करें, वो वही कार्यक्रम था। अखिलेश एंड डिम्पल, इतनी राजनीति की बातें हो रही है, एंड आई मस्ट कन्फेस आई हैव कम हियर टू लखनऊ फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जब 2017 में आपने ये डिफीट फेस करा था, उसी टाइम पे यू ऑल्सो वर फेसिंग अ वेरी पर्सनल फैमिली फाइट, एंड उस दौरान मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ मच ऑफ एन अखिलेश हैज चेंज फ्रॉम देन टू नाउ। मतलब उस टाइम जो आपने कोई अलग पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने लग गए कि आप, मतलब इतना आपने बिगर पिक्चर देख लिया है कि आप आगे होकर, आप खुद आके आकर आपने मायावती के साथ यू गॉट इन टू एन अलायंस, सो हाउ मच ऑफ दैट एपिसोड इन योर लाइफ वॉज अ चेंजिंग पॉइंट फॉर यू? मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगी अखिलेश जी, वो ये कि जब पारिवारिक मतभेद होते हैं और आपके खुद चाचा ने अलग पार्टी बना ली, उससे आपको नहीं लगता कि आपके संगठन
की जो छवि थी उस पर प्रभाव पड़ा और आपने किस तरह की कोशिशें की कि वो फॉल आउट ना हो, आपके पारिवारिक मतभेद और जो पॉलिटिकल मतभेद हैं वो ना हो, कहाँ तक कोशिश थी? बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ जो हुआ, लेकिन क्योंकि आप एक बिगर गोल लेके चल रहे हैं, आपके साथ केवल एक ये दो व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी पूरा संगठन था साथ, और जिस समय वो बातें हुई, बातचीत हुई उस समय, क्योंकि जो हम डिलीवर कर सकते थे 5 साल में हम लोगों ने डिलीवर किया। आपको लगता है अखिलेश एट दैट टाइम जो भी आपने इतना काम करा था वो इस वजह से ओवरशैडो हो गया, मतलब काम के बारे में कम लोग बात कर रहे थे, झगड़ा के बारे में और बात कर रहे थे? आई मीन द एंटायर फैमिली अफेयर बिकेम वेरी पब्लिक, डू यू थिंक? क्योंकि मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा लोग नहीं सुनना चाहते और पॉजिटिविटी वो कभी न्यूज नहीं है जी। मैं और डिम्पल, मुझे याद है जब सेकंड टाइम एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा था एक्सप्रेसवे पर, किसी भी चैनल ने मेरा नाम नहीं लिया कि मैंने बनवाया एक्सप्रेसवे। मैं पूरे दिन देखता रहा, शायद कोई चैनल ये बता दे कि हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में ये एक्सप्रेसवे बना था जिसपे आज ये मिराज, सुकोई और हरकुलस उतर रहा है। मैं आपसे कह सकता हूँ इवन योर चैनल, नो नो सेकंड टाइम, आई टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइम, इवन मेट्रो को लेकर भी आपने जो बातें करी थी, क्योंकि डिम्पल मेरे साथ थी। पोजीशन एज वेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन दैट यू होल्ड इन द फैमिली एज वेल, एंड उस टाइम जब इतना पर्सनल फ्यूड, बिटर फ्यूड चल रहा था, आपके लिए मुश्किल होता है, यू नो, ऑन वन साइड आपके फादर इन लॉ है, ऑन द अदर साइड यू हैव योर हस्बैंड, तो क्या आप वो थे, वो बाम, दैट ब्रिज बिटवीन द फादर एंड द हस्बैंड? द फादर इन लॉ वाज वेरी डिफिकल्ट, आई मस्ट से, एंड इट वाज एन आई ओपनर फॉर अस आल्सो, बिकॉज़ वी नेवर एक्सपेक्टेड लाइक समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ, बट इट्स ओके, वी लर्न थिंग्स हाउ इट कम्स टू अस, वी लर्न. So I think so. Is that learning that helped you to become the, you know, definitely you need to take one person in a relationship has to have the bigger heart. और आप गई थी मायावती के पास, आपने उनको greet करा था stage पर, आपने उनको, आपने उनके पैर भी छुए थे, आपने felicitate करा था. नहीं, but that reciprocation did come from मायावती. Her nephew didn't do the same. क्या आपको इन चीजों के बारे में बुरा लगता है? ये कोई क्या आपको लगता है ये बड़ी पहली चीज़ है? We already had met behind the stage. It was not the first time like we were meeting. And just because of the speeches that were delivered by both of us, you know. So, but it was a big moment. Mayawati and Mulayam Singh Yadav, they were there together because of you, your effort. चलिए हम बात करते हैं challenging. Dimple ने इसलिए सम्मान किया क्योंकि आदरणीय मायावती जी ने उन्हें बहू कहा और कहा कि मेरी बहू की तरह है, तो स्वाभाविक है कि अगर डिम्पल ने उनके पैर छुए तो ये आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने. और हमारी भारतीय संस्कृति में यही है कि बहू पैर हमेशा छुएगी. बट वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू, आपके लिए मुश्किल था टू गेट मायावती? बिकॉज आप समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सारे ओवरचर्स हुई है. मैं इस टाइम क्या बदला, कहराना बदला या कुछ और हुआ है? जब बाई इलेक्शन जीत गए तो उससे लगा कि हम दोनों मिलकर के अगर यूपी में गठबंधन बनाएंगे तो कम से कम ज्यादा सीटें जीतेंगे और देश को बचाने की कोशिश करेंगे. और देश को बचाने वाला चुनाव था क्योंकि आज जिस तरह की चीजें हम देखने को देख रहे हैं कभी नहीं हुआ होगा. सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के कहते हैं कि क्या हो गया डेमोक्रेसी को. आज मैं इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो इकोनॉमिस्ट आर्टिकल में लिखा है कि ये सरकार सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी को. जो लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम जातिवादी हैं, आज मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश में देखो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं. मैं डिम्पल का चुनाव देख रहा था, रेड कार्ड इश्यू हो गए सबको. लेकिन अखिलेश जी, जो जितना बड़ा दिल आपने बीएसपी के लिए दिखाया शायद कांग्रेस के लिए नहीं दिखा पाए. और जो भाषा की मर्यादा जिसकी हम अक्सर बात करते हैं भारतीय राजनीति में, कहीं ना कहीं अब वो भाषा की मर्यादा अखिलेश यादव की भी भाषा में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये चाय वाला कैसा चाय वाला है जो जहर मिला रहा है चाय में और लोगों पर जादू कर रहा है. आपसे तो कभी इस तरह के हमने चीजें सुनी नहीं. मैंने देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए भी हमारे पास बड़ा दिल था, 100 से ज्यादा सीटें हम मिलकर के लड़े थे. और जहाँ तक देखिए, केवल चाय वाला बोल दूं, मैं केवल चाय अकेली बोलूं तो जनता खुश नहीं होती है. जब तक ये ना कहो कि चाय में नशा था तो जनता कहती हाँ 5 साल पहले कुछ नशा तो था जिसके सब भूल गए. तो आप जब तक कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे अपने भाषण को, और फिर चाय कैसे अच्छी होगी जब दूध नहीं अच्छा होगा. चलिए, दूध वाला बयान आपने दिया था आजमगढ़ में, अब जरा मैं आपको लखनऊ से लेकर चलती हूँ पूर्वांचल. आजमगढ़ की सीट पर निरहुआ आपको टक्कर दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार तो मेरी जीत पक्की है, अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं है और उनकी हार सुनिश्चित है मोदी जी के सामने मेरे आगे. देखिए, मैं
कोई भी प्रत्याशी होता, उनकी जगह कोई और भी लड़ता, तो मुझे तो चुनाव लड़ना ही था और पार्टी का फैसला था, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, जो बीजेपी के हैं प्रत्याशी, उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान दिया मैंने, और मुझे अच्छी तरह याद है जो एक सम्मान राशि सम्मान के साथ मिलती थी जब बीजेपी ने छीन ली थी, तो वो मांगने आए थे कि कैसे सम्मान ऋषि दोबारा मिल जाए, सम्मान राशि यश भारती के साथ सम्मान राशि मिलती थी, क्योंकि महीने के 50,000 रुपये हम देते थे, क्योंकि कलाकार, ये ज़रूरी नहीं कि कलाकार हमेशा खुशहाल रहेगा, तो एक सम्मान राशि दे रहे थे, बीजेपी ने वो बंद कर दी, सब दुखी थे। सर, आपको जया प्रदा को भी देनी चाहिए थी जी, क्योंकि आजम खान ने जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उनके खिलाफ की, तब तो क्या आप अखिलेश, डू यू गेट इनटू अ डिलेमा? नहीं, वो सम्मान तो हर अदाकार डिजर्व करता है ना। नहीं, वो उत्तर प्रदेश की नहीं थी, उत्तर प्रदेश में आई थी, उत्तर प्रदेश में आई होंगी सर, लेकिन कलाकार तो है, किसी को भी नहीं, उनके देखिए चीजों से संबोधित करना या फिर ऐसी भाषा जो कि आपको बीप के साथ दिखानी पड़ जाए ना। मैं कभी भी किसी महिला के लिए इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, वो उनके लिए किस रूप में ले लिया, उन्होंने हमारे अंकल के लिए कहा था अखिलेश, क्योंकि अंकल ने आजमगढ़ का अपना घर आरएसएस को दे दिया, आप ये जानकारी करिए। और देखिए, ये जो विकास है केवल लखनऊ का विकास नहीं, मैं कह सकता हूँ आप आजमगढ़ में देखिए, नहीं आजमगढ़ में आपने क्या किया अखिलेश जी, देखिए अगर आजमगढ़ का पूछेंगे मुझसे, आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने अपने मैनपुरी या जिन जिन इलाकों में आपने सीटें जीती वहाँ का विकास किया, पूर्वांचल का आजमगढ़ चूंकि उसी का हिस्सा है तो आपने वहाँ को छोड़ दिया। अब जो चुनाव होने जा रहा है मैं उस इलाके के सब काम गिना सकता हूँ, आजमगढ़ में सबसे कम वक्त में चीनी मिल अगर किसी ने लगाई, समाजवादी सरकार ने लगाई, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, वहाँ पैरामेडिकल बन रहा है, एक सबसे बेहतरीन सड़क जो आगरा को जोड़ने के लिए लखनऊ से बनी थी, मैं वही सड़क लेकर के जा रहा हूँ आपके आजमगढ़ और गाजीपुर तक, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी सरकार का है, पूरी ज़मीन हमने एक्वायर की उसकी, आजमगढ़ के लिए एक्सप्रेस वे हो गया, फोर लेनिंग ऑफ हाईवे हुआ है, गाँव का विकास हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग ये भी पूछ रहे थे मुलायम सिंह यादव जी 5 सालों तक कहाँ थे, लोग नहीं अगर वो नेताजी नहीं आए, लेकिन हम तो हैं, हम तो रहेंगे वहीं, हम कहाँ जाएंगे। और मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस इसलिए बनाया है कि कम से कम 2.5 घंटे में हम आजमगढ़ पहुंच जाएं। चलिए अब कुछ और हिस्सों में हम चलते हैं, और अखिलेश यादव से अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेना जाना बाकी है। पूर्वांचल की बात हो रही है, पूर्वांचल में एंट्री हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा की भी, उनको लेकर अखिलेश क्या सोचते हैं, लखनऊ के दूसरे हिस्से में जाकर ये सवाल पूछेंगे। लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की बात करते हुए जरा आपको बनारस लिए चलते हैं। वाराणसी में तो आपने मतलब वॉक ओवर दे दिया नरेंद्र मोदी को, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया। शालिनी यादव जब नामांकन भरने गई तो पता चला कि आपने तो दूसरा ही कैंडिडेट लिया, क्यों लाए? क्योंकि सनसनी फैलानी थी पल भर की, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनके खिलाफ BSF का जवान खड़ा कर दो और नरेंद्र मोदी को झकझोर दो, लेकिन आपने तो अल्टीमेटली वॉक ओवर दे दिया। देखिए, BSF का जवान वो पहले से चुनाव लड़ना चाहता था, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो बनारस के थे, बहुत सारे पार्टी के लोग, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इस तेज बहादुर को आप दे देंगे समर्थन तो चुनाव अपना पार्टी का अच्छा होगा, उसी फैसले को मानते हुए मैंने उसको समर्थन दिया। लेकिन सोचिए, पूरी सरकार, सब लोग, केवल उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए और फिर क्या उस पर चार्जेस हैं? केवल उसने ये बता दिया कि जो उसको दाल मिली थी BSF में वो दाल खराब थी, रोटी खराब थी। मैं खुद पढ़ा हूँ मिलिट्री स्कूल में, 7 साल मैंने हॉस्टल में गुजारे, मैं जानता हूँ हर दिन झगड़ा होता था खाने पर, लेकिन खाने का मतलब ये नहीं होता था कि आपको स्कूल और कॉलेज से निकाल दें। हम जानते हैं हमारे सीनियर्स आज आर्मी में बड़े बड़े पोस्ट पर ऑफिसर्स हैं, आप देखिए सीमा पर आज भी पोस्टेड हैं। तो हमें राष्ट्रवाद जितना बीजेपी सिखा रही है वो राष्ट्रवाद हमें नहीं सीखना है। लेकिन उस टेक्निकल मामले में तो इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कौन देगा? BSF डिपार्टमेंट आगेगा, सरकार देगी, सरकार देगी। इलेक्शन कमीशन को कौन अल्टीमेटली कौन सरकार? नहीं, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट तो BSF से आएगी। मैं तो अखबार में पढ़ता हूँ कह रहे हैं कि वो शराबी था, इनडिसिप्लिन था, पूरी फौज में शराब दी जाती है, राशन में शराब है, इशू होती है, बोतल इशू होती है आपको, और आप उस जवान को कह रहे हैं। सोचिए वो जवान क्या सवाल करना चाहता था,
खाने का सवाल करना चाहता था, कि जूते कैसे मिल रहे हैं उसका सवाल करना चाहता था, उसको अच्छे मोजे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसकी वर्दी अच्छी है कि नहीं है, देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमारे जवान जो सीमा पर हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाए उसकी मांग थी, अच्छी मिल जाए। आप मेड इन चाइना ला रहे हैं, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइए अपने जवानों के लिए, क्यों नहीं लाएंगे आप? चलिए उस सीट से निकल के वापस यहाँ की दो सीटों के पास, अमेठी और रायबरेली, आपने तो ये दो सीट गिफ्ट कर दी कांग्रेस को, मुझे बताइए आपने बुआ जी को कैसे मनाया कि वो भी गिफ्ट कर दे कांग्रेस? नहीं, इस फैसले पे आदरणीय मायावती जी और हम दोनों एक राय पे थे कि ये सीटें कांग्रेस की ट्रेडिशनली हमने छोड़ी हैं, इसलिए ये सीटें उनको दी। वो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती कांग्रेस के ऊपर अपना वार करने का। मैं भी यही कहता हूँ, मैंने भी हमेशा अपने भाषण में कहा है और मैं फिर कहता हूँ आपके से कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो आज देश के सामने मुसीबतें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हैं। आज जो मुल्क हमारा दूसरे मुल्कों से बहुत पीछे है, गरीबी हमारे यहाँ है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उनका, सड़कें देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें, अस्पताल देखें, यूनिवर्सिटीज देखें। तो मायावती जी भी बहुत क्लियर थी कि नहीं खड़ा करना है कोई अमेठी और रायबरेली। बिल्कुल, जिस समय हमारी बातचीत हुई थी और जिस समय हमने सीटें तय करने का फैसला लिया था उस समय आदरणीय मायावती जी और हमारा फैसला था और कि दो सीटें हम कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि मैं सॉफ्ट हूँ कांग्रेस के लिए। ठीक है, अभी 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 नई नवेली जो आपकी दुश्मनी है कांग्रेस से इस पर चर्चा बाद में करेंगे। एक सवाल आपके लिए, वो सवाल ये कि वो चाय वाला बन गए तो ये दूध वाला बन गए, वो कहा कि चाय बनेगी तो उसके लिए दूध हम ही देंगे, मतलब ये तो अब आप खाली जुमलेबाजी में किसी एक को कैसे। मैं जातिवादी नहीं हूँ, ये भी जातिवादी नहीं है, क्योंकि मैं दूसरी जाति का हूँ, ये दूसरी जाति की है, मैंने जाति देके शादी नहीं की इनसे, इन्हें देख के मैंने शादी की। गठबंधन है, आप इलेक्शन टाइम में कह रहे हैं नुकसान ना हो जाए इसका? ये नुकसान से मैं नहीं डरता हूं। यादव रेजिमेंट लाने की बात कर रहा है जो तो, देखिए यादव रेजिमेंट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि गुजरात में मैं मिला था अहीर लोगों से, उन्होंने मुझे रोक करके कहा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, तो हरियाणा के लोग मिले चुनाव के पहले। नहीं, लेकिन दो रेजिमेंट मैंने मांगी, एक गुजरात रेजिमेंट, एक अहीर रेजिमेंट, और मैं आपको वो पत्र बता सकता हूँ, मैंने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को मैंने पत्र लिखा था जिस समय डिफेंस कॉरिडोर की बात नहीं हो रही थी, मैंने कहा ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके किनारे में एक कैंटोनमेंट बनाना चाहता हूँ और कैंटोनमेंट बने। आप यकीन कीजिए दिल्ली की सरकार ने मुझे जवाब भेजा कि कैंटोनमेंट के बनाने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। सोचिए एक्सप्रेस वे के किनारे हम कैंटोनमेंट बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल कुछ और था, ये हमेशा आपके सवाल ग्रैब कर लेते हैं। देखिए समाजवाद की ये तस्वीर भी, लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत अलग है, और वो सवाल ये है कि ये जब यादव कार्ड ऐसे खेलते हैं तो डिंपल यादव कैसे देखती हैं उसको, या फिर चाय वाला के जवाब में दूध वाला? मैं समझती हूँ कि गोरखा रेजिमेंट है, इसी तरह की कई और रेजिमेंट्स हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी अहीर लोग जैसे आप बता रहे हैं काफ़ी लोग जाते हैं, जैसे गढ़वाल रेजिमेंट भी है, बहुत गढ़वाली लोग भी जाते हैं, तो मैं खुद गढ़वाल को बिलोंग करती हूँ, तो इसमें मैं नहीं समझती हूँ कोई गलत बात है। आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग तरीका है चुनाव लड़ने का? इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। अल्टीमेटली मतलब यादव वोट बैंक को समेट के रखना है, मुस्लिम को उसमें जोड़ना है, दलित भी इस बार मायावती जी के साथ आ जाए, ये जो DYM बनाना है। नहीं नहीं, DYM नहीं है, इट्स नॉट अबाउट DYM। मैं समझता हूँ महिलाओं के वोट सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं, क्योंकि डिंपल भी प्रचार कर रही हैं, आप साग भी सभी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। भी तो है, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी को पूनम सिन्हा को आपने यहाँ दिखा दिया, सोनाक्षी देखिए यही तो खूबसूरती है हमारे गठबंधन की। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे आके कैंपेन कर रहे हैं, पूनम सिन्हा के कांग्रेस की टिकट पे वहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, यही हमारी खूबसूरती है गठबंधन की, कि बीजेपी को हमारी चाल नहीं समझ में आ रही है। और जहाँ तक सवाल पूनम सिन्हा जी का है, यहाँ के कायस समाज के सभी लोग मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि पूनम सिन्हा जी को लड़ाइए, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा जी को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी। क्या आपने ऑफर किया था शत्रुघ्न सिन्हा को कि समाजवादी पार्टी में आ जाएं? मैंने ऑफर नहीं किया था, लेकिन मेरी बातचीत हुई थी उनसे, वो तो कह रहे हैं कि किया था। नहीं, मैंने ऑफर नहीं किया था, मैंने उनकी वाइफ के लिए कहा था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ सकता हूं, मैं तो वहीं पर लड़ूंगा, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं पटना की जनता से कि कुछ भी हो मेरी लोकेशन नहीं बदलेगी, पार्टी वाले किसी स्पीच में कहा था जी। और इसलिए वो वहाँ से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ को लड़ा सकता हूँ और उनसे बात कीजिए, और मैं समझता हूँ उन्होंने इस बात के लिए हाँ कहा कि पूनम सिन्हा जी लड़ सकती हैं। जाति के बिना चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? नहीं, लड़ते हैं, हर चुनाव ही ऐसा होता है। दूध वाला बनने की क्या जरूरत? दूध वाला तो बोला गया था ना, तब कहा गया था, मैं समझती हूँ आदित्यनाथ जी ने बोला था दूध वाला है, दूध वाला होते
आप स्टेटमेंट उठा के देखेंगे। अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया। अब जो आप देख रहे हैं प्रदेश में उनका राज, क्या समझ में आ रहा है? मैं समझती हूँ प्रदेश दिशाहीन हो गया है राइट नाउ, बिकॉज जितने भी काम हो रहे थे सब ठप पड़े हुए हैं और लोग बहुत ही परेशान हैं। देखिए साइकिल ट्रैक है, स्वच्छ भारत का बैनर लगा दिया, अगर इसका ये हटाएंगे तो साइकिल अंदर नजर आएगी। स्वच्छ भारत का अभियान वो तो, लेकिन आपने आपने देखिए शुरू में ही दो चीजों का जिक्र किया, आपने कहा शौचालय हटा दें और अगर गैस सिलेंडर हटा दें, तो ये दो उपलब्धियां आप मोदी को दे रहे हैं? नहीं, लेकिन शौचालय में किसी में पानी नहीं है, शौचालय बनाए बिना पानी के, दुनिया में कहां बनते हैं शौचालय बिना पानी के। मैं कहता हूं लोगों को पढ़ा लिखा दो, लोगों को संपन्न बना दो, वो शौचालय अपने आप बना लेंगे। क्या ये शौचालय बनाने की स्कीम चला रहे हैं आप लोगों को संपन्न नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि डेढ़ गुना हम आय दे देंगे, आप डेढ़ गुना आय दे दीजिए शौचालय बन जाएगा। देखिए साइकिल ट्रैक यहाँ भी बनाया हमने। नहीं, वो साइकिल ट्रैक जहाँ बना है तब तो फिर वो लंबे रास्ते चले गए। मुझे ये बताइए कि लंबा तो ये अली बजरंग बली भी चल गया जैसा पिछली बार का असर रहा, आपको लगता है कि उससे पोलराइजेशन हो रहा है एक उत्तर प्रदेश में? लोग बीजेपी की भाषा को समझ गए हैं, इसलिए लोग बहुत सावधान हैं, हर बात बीजेपी की वो समझते हैं। जिसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि मैं मिला हूँ कांग्रेस से, मैं धोखा दे रहा हूँ आदरणीय मायावती जी को, ये चाल सब समझते हैं। ये देखिए चर्च हमारा बिल्कुल रोशनी से नहा रहा है। ये आपने किया है या ऐसा ने किया है? ये हम लोगों का, ये चर्च जो है हमारे फादर, नाम बताइए फादर अगस्ती, ही इज द वन हु लुक्स आफ्टर द चर्च। ये बाद में हुआ है, रोशनी पहले से थी। और देखिए हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पे इतनी रोशनी रहती थी, इस बीजेपी वालों ने रोशनी बंद कर दी। अच्छा, आप बहुत बॉदर्ड हो गए हैं भीमराव अम्बेडकर के? नहीं, ये सिलसिला लोहिया जी से मैंने उठाया है। डॉक्टर लोहिया जी और भीमराव अम्बेडकर जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, लेकिन समय ने मौका नहीं दिया। आपने पॉसिबल कर दिया, समय ने मौका नहीं दिया, उन्हें नहीं कर पाए। लेकिन बाद में नेताजी ने एक बार कोशिश की थी, माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, दोनों मिलकर के एक नई दिशा दी राजनीति की, और आज मुझे मौका मिला, इसलिए मैं वही जो लड़ाई थी आज़ादी के बाद की, जो एक नई दिशा देना चाहते थे, मेरी कोशिश है कि वही सिद्धांत आगे बढ़ाऊं। अखिलेश जी एक सवाल करूंगी आपसे, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, 2017 में आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ था, पिछले दो हफ्ते में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो दिल्ली में हो रहा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल एक तरफ राहुल गांधी, गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, हो गया नहीं हुआ, फिर हुआ फिर नहीं हुआ, फिर हुआ फिर नहीं हुआ फिर नहीं हुआ। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया ये कांग्रेस के तो हाथ जोड़ लेते हैं, इनसे नहीं हो सकता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की फाइट थी। आपको एक्सपीरियंस है, आप बताइए इन दोनों में से कौन सही है? अरविंद केजरीवाल जी की गलती नहीं है, जहां तक गलती होगी कांग्रेस की गलती होगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ही ने ही धोखा दिया होगा। इतने श्योरली क्यों कह रहे हैं? 2017 का एक्सपीरियंस बता, मुझे पता है कि कांग्रेस और हमारे जो पुराने नेता हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस इसी तरह काम करती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? यही था कि मतलब करेंगे नहीं करेंगे, टाइम देंगे नहीं देंगे। उन्होंने दो बार मुझसे गठबंधन तोड़ा था जी, उसके बाद भी मैंने गठबंधन किया। तो आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने सब किया होगा, उनकी मतलब कमी रह गई कांग्रेस से? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी बहुत फ्लेक्सिबल थे। मेट्रो स्टेशन ऑफ हजरतगंज, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने धोखा दिया है। कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, इसीलिए हमें भी दिया और अरविंद केजरीवाल जी को भी दिया। चलिए कांग्रेस वाली दुश्मनी पर हम बात करेंगे, अब सीधे चल रहे हैं हम घंटाघर पुराना लखनऊ और वहां पर कुछ सवाल जवाब दोनों के साथ। तो अब हम मौजूद है पुराना लखनऊ में और यहां पर सवालों का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि अखिलेश जी और डिंपल यादव अब हमारे साथ यहां पर हैं। तो सबसे पहले अखिलेश जी से ये जान लेते हैं कि अखिलेश जी, एक टाइम ऐसा था जब साइकिल की सवारी राहुल गांधी आपके साथ कर रहे थे, लेकिन अब वक्त बदला है, राजनीतिक तस्वीर बदल गई है, दुश्मन नंबर एक आपका कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए दुश्मन नंबर वन नहीं है, मेरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोक सकूँ, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। कांग्रेस क्योंकि खुशी मना रही थी तीन प्रदेशों की जीत का, उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी की परवाह नहीं थी, तो इसलिए शायद वो गठबंधन में भी नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है।
कहा तो आप लोग मिले थे, चल कर निकले थे कि हम सब मिल के हराएंगे मोदी को, और ये चौथे पांचवें चरण तक पहुंचते पहुंचते आपस में ही भिड़ने लगे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली में कहा है कि आपने खेल खेल दिया मायावती के साथ, आपने बहला दिया और कहा कि आइए साथ मिलकर लड़ते हैं, खूब मान सम्मान की बातें की, लेकिन कांग्रेस की बुराई जल्दी आप नहीं करते हैं, कहीं उसी का साइड इफेक्ट तो नहीं है कि आप बुराई करने लगे हैं? क्यों किया ऐसा आपने मायावती के साथ? मेरे पुराने स्पीचेस उठा करके आप देखेंगे, मैंने कांग्रेस के लिए यही कहा कि आज जितनी भी बुराइयां दिखाई दे रही हैं देश में, उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और गठबंधन के लिए जब बातचीत हुई तो हम ही ने और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के गठबंधन में दो सीटें केवल उनको दी। तो इसलिए जो हमारी नाराज़गी है, और मैंने यहाँ तक कहा कि जिस व्यक्ति ने PIL नेताजी पर हम पर की थी वो कांग्रेस का आदमी है। कांग्रेस मना करती है कि वो उनका नहीं है, लेकिन लखनऊ का जब नॉमिनेशन हुआ तो वही PIL करने वाला यहाँ पर लखनऊ आया था। मुझे ये लगता है कि CBI को लेकर के हमें परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने CBI से गठबंधन किया है और PIL करने वाले से गठबंधन किया है। मुझे लग रहा है अखिलेश जी, कुछ चरणों के चुनाव के बाद आप कांग्रेस पार्टी पर अग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है, प्रियंका गांधी की ओर से आज ही कहा गया है कि गठबंधन का फैसला चुनावों के बाद कब कौन करेगा, इसका फैसला या तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव या मायावती करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे पक जरूर रहा है आप लोगों के बीच। देखिए, कांग्रेस के अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, बाराबंकी में उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम डरते हैं BJP से, हम घबराते हैं BJP से, और फिर एक स्टेटमेंट हम दूसरा सुनते हैं उनका, ये राजनीति में कहीं ऐसा कहा जाता है कि हम अपना कमज़ोर प्रत्याशी इसलिए लड़ा रहे हैं जिससे BJP हार जाए? ये राजनीति में ये भाषा नहीं होती है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जा रही है ना इसके जरिए वो। मुझे ये लगता है कि वो कांग्रेस भी कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वही घबराहट BJP में दिखाई दे रही है। हम तो BJP से कहते हैं कि वो अपनी उपलब्धि बताएं, उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं, उपलब्धि नहीं दिखाई देती है। वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों एक हो रही हैं, हम एक व्यक्ति को हटाने के लिए नहीं हो रहे हैं। जो इस देश में संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, आप देखिए कौन सी संस्था नहीं परेशान है। चलिए, स्टेटमेंट्स की बात हुई जो कांग्रेस कर रही है, प्रियंका गांधी कर रही है, एक और स्टेटमेंट हुआ था वोट कटुआ का, कि प्रियंका गांधी ने बोला कि कभी भी वो मर जाएंगी पर BJP के खिलाफ वोट नहीं काटेंगी, तो मतलब आपकी मदद कर रही हैं? देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या स्टेटमेंट दे रही है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट बाराबंकी में ये कहते हैं कि हम और मायावती जी घबराते हैं। हम घबराते नहीं, हमारे पे जो PIL है, CBI है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। पर अगर प्रियंका गांधी कहती हैं कि वोट कटुआ खिलाफ है BJP के, तो मतलब आपकी मदद कर रही है, इसमें क्या बुराई है बोलने में? हाँ, हमारी मदद हो रही है। फिर मैं ये जानता हूँ कि जब जनता का साथ नहीं मिला कांग्रेस को, गठबंधन के साथ जनता खड़ी है, तब ये सुनाई दे रहा है। बट जो रिश्तों की बात होती है अखिलेश एंड डिम्पल, ये जो हम रिश्ते की बात हो, जैसे चित्रा ने कहा था, कांग्रेस ने तो आपको 5 सीट एटलीस्ट छोड़ रखा है, और समाजवादी पार्टी ने भी 2, जो रायबरेली और अमेठी को, उसको भी छोड़ दिया है, आपने 3 सीट RLD को दे दिया है। तो ये जो रिश्ते बन रहे हैं, ये जो ट्विस्ट और टर्न्स देख रहे हैं, ये अगर मैं, जो फेमस सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जो आपका रिश्ता मायावती से जो बन गया है, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस के वजह से, या दिल से ही आपका ये जो बुआ भतीजा का रिश्ता बना है, इट्स जेन्युइन? देखिए, मायावती जी के साथ जो हमारा गठबंधन है, ये बसपा और सपा का सामाजिक न्याय को और महापरिवर्तन दिलाने के लिए गठबंधन है। जो लोग महामिलावट कह रहे हैं, ये देश को महापरिवर्तन के लिए ले जा रहे हैं, और कांग्रेस को क्योंकि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके स्टेटमेंट बार बार बदल रहे हैं। नहीं, उन्होंने 5 सीट आपके लिए भी छोड़ा है, आपने भी अमेठी और रायबरेली, ये अगर कॉन्टेस्ट होना चाहिए था तो आप सारे सीटों पर लेते, उनके लिए क्यों 2 छोड़ दिया? फिर सीटों का छोड़ने का सिलसिला कोई मैंने शुरू नहीं किया, और आदरणीय मायावती जी ने नहीं छोड़ा है जी। ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को ये 2 सीटें छोड़ करके ही हम चुनाव लड़े हैं। एक तस्वीर हमने अखिलेश जी दक्षिण में देखी थी, जहां पर एक ही मंच पर मायावती, सोनिया गांधी और तमाम लेफ्ट पार्टीज के भी दिग्गज नेता, वामपंथी नेता सब मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था कि सब एक साथ एक ताकत बनकर मोदी जी को हरा देंगे।
वो तस्वीर अब बिखर चुकी है, वो तस्वीर अब धुंधली पड़ चुकी है। आपको लगता है वो तस्वीर अगर बरकरार रहती तो आज जो है आप ये दावे से कह सकते कि 23 मई को या आप किंग मेकर बनते या फिर मायावती या फिर उस महागठबंधन का कोई और नेता? देखिए, प्रदेश की जो जनता है वो अलग अलग समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है। मान लीजिए शिक्षा मित्र हैं, आशा वर्कर्स हैं, रोजगार सेवक हैं, चौकीदार हैं, ये तमाम समस्याएं केंद्र ने प्रदेशों पर थोपी हैं। और वो समय आएगा जब ये प्रदेश के लोग जब अपनी अपनी जगह ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश को कोई ना कोई फ्रंट, कोई ना कोई गठबंधन, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश नया बनाना चाहते हैं, हमारा ये गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देना चाहता है। जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तो देश अपने आप नया बनेगा। कांग्रेस पार्टी की बात बार बार आ रही है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बार बार कह रहे हैं नया प्रधानमंत्री दूंगा, खैर उसकी बात तो 23 मई के बाद होगी। मुझे ये बताइए कि प्रियंका वाड्रा पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या आपको पॉलिटिकल इमैच्योरिटी उनकी दिखी जो उन्होंने कहा? क्योंकि 80 सीटों में से 52 सीटों का जब हमारी DIU ने विश्लेषण किया तो हमने देखा कि 36 सीटें 52 में से ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को ही वो नुकसान पहुँचा रही है। सच्चाई नहीं है, वो जो कह रही है वो बात सही कह रही है, 36 सीटों पर वो बीजेपी को ही नुकसान, मात्र 16 सीटें हैं जहां पर गठबंधन को। तो आप इतना क्यों गुस्सा गए? दो सवाल है, एक तो कांग्रेस से ये दुश्मनी समझाइए जो नई नवेली है आपकी, क्या ये मोदी के दबाव में है, मायावती जी के दबाव में है? और दूसरा सवाल यही कि आपको क्या लगता है ये तस्वीर किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए कांग्रेस नहीं, प्रियंका वाड्रा पर क्या वो पॉलिटिकली इमैच्योर है जो उन्होंने कहा? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस समय जनता का रुख देखा और जनता ने समर्थन करना शुरू कर दिया महागठबंधन को, तब से कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स बदल गए हैं। और केवल कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट नहीं बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन से रास्ते पर चलें। प्रियंका वाड्रा स्मार्ट पॉलिटिशियन है, ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि देश बहुत आगे जा चुका है। यहाँ हर नौजवान बच्चे के पास स्मार्टफोन है, वो भी स्मार्ट है। स्मार्ट पॉलिटिशियन है प्रियंका, मैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी है जब उन्होंने कहा कि बीजेपी के वोट काटूंगी। देश आज वो नहीं है जो आज 20 साल पहले था, देश नया हो चुका है। इस देश के नौजवान ब्लू जीन्स पहन करके गाँव में मिलते हैं, इस देश के नौजवान के हाथ में नया स्मार्टफोन है, इस देश के बच्चों ये गूगल देख रहे हैं। ये राजनीति वो पुरानी वाली नहीं बची है, वो आकलन करेंगे कि कौन सी नीति, कौन से फैसले उसके हित में हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अखिलेश जी, जिस पूर्वांचल की लड़ाई आप लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, वहां की 26 में से 25 सीटें 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, एक सीट पर आजमगढ़ पर मुलायम सिंह यादव जीते थे, उसी पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधे पर दे दी गई है। आपको वो नुकसान पहुंचा रही है या आपको फायदा पहुंचा रही है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पूर्वांचल की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है महागठबंधन के पक्ष में, और आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वोट महागठबंधन के पक्ष में गिरता जाएगा। लेकिन जातियों के लिहाज से उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने किसको प्रत्याशी बनाया है, जनता एक बार को पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। प्रियंका गांधी पर आप सीधा कुछ बोलने से बचते हैं अखिलेश जी। मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने देश को धोखा दिया, प्रियंका हमें धोखा दिया, कांग्रेस ने ही CBI कराई नेताजी पर, कांग्रेस ने ही CBI करी डिंपल पर, आज जो PIL करने वाला जो व्यक्ति है वह कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के ही इशारे पर वो नॉमिनेशन कराने आए थे, और वही PIL करने वाला आज भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन कर रहा है। चलिए कांग्रेस छोड़िए, प्रियंका छोड़िए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपकी परिभाषा, डिंपल आप भी आ जाइए, आप बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई हैं, आपकी परिभाषा राष्ट्रवाद की, बीजेपी की परिभाषा राष्ट्रवाद से इतनी अलग क्यों है? राष्ट्रवाद तो एक ही होना चाहिए ना, देश प्रेम। देखिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद धोखे का राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे सवाल हम पूछ लें, अगर कोई सवाल हम उनसे पूछ लें, वो हमें राष्ट्रविरोधी बोल देंगे। हम अगर कोई सच्चाई जानना चाहें, ये सबसे बड़ी मजबूत सरकार जो दावा करते हैं, उन्होंने इस देश की सच्चाई मार दी। सोचिए लोकतंत्र में अगर सच नहीं जाने,
कि आज शहीद कितने हुए हमारे जवान, आज कितने नौजवान बेरोजगार हैं, कितने किसान आत्महत्या कर लिए हैं। अगर मैं केवल ये सवाल पूछ लूँ कि बताओ कि कितने हमारे जवान शहीद हुए सीमा पर, तो वो हमें राष्ट्रविरोधी कह देंगे। हम ये पूछना चाहें कि बताओ वो बस में घटना हुई इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं था। मैं आर्मी में रहा हूँ, मिलिट्री स्कूल में, मेरे साथ के सीनियर ऑफिसर्स हैं, डिम्पल जहाँ जिस परिवार से आती हैं इनके फादर आर्मी में हैं, इसकी बहन जो वो कर्नल है उसका हस्बैंड कर्नल है, और जहाँ पर F-16 ने जो बॉम्बिंग की थी जिस मैस के किनारे पर 6 महीने पहले वो वहीं पोस्टेड थे, तो क्या हम नहीं जानते फौज के बारे में? और जो फौज के सबसे बड़े अधिकारी हैं जो सरकार को राय देते हैं, क्या वो वही मिलिट्री स्कूल से नहीं पढ़े हैं जिस मिलिट्री स्कूल से हम पढ़े हैं? तो क्या हम सवाल नहीं कर सकते सरकार से? डिम्पल आप भी आइए इसमें और ये बताइए, तो फिर ये जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, जो पुलवामा अटैक हुआ, उसका बेनिफिट मिलेगा भाजपा को? अभी मसूद अजहर इंटरनेशनल टेररिस्ट हो गए हैं। मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि लोग इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि लोगों की अपनी दिक्कतें बहुत हैं और सरकार पूरी तरह जो वादे कर रहे थे उस पे विफल रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती रही है और ये कोई मजाक की बात नहीं है कि हमारे देश की पूरी एक पीढ़ी बेरोजगारी और नौकरियों से जूझ रही है, उनको नहीं मिल रही है। तो मैं समझती हूँ ये बड़े मुद्दे हैं, पेट्रोल का बड़ा मुद्दा है, सिलेंडर्स का बड़ा मुद्दा है, जहाँ की महंगाई, राष्ट्रवाद तो लाया गया है। देखिए राष्ट्रवाद तो उनके लिए मुद्दा है क्योंकि वो हर समस्या का समाधान राष्ट्रवाद में ढूंढ रहे हैं। बालाकोट पुलवामा का फायदा मिलेगा? मसूद अजहर ने इंटरनेशनल टेररिस्ट हो गए हैं। फौज को बहुत करीब से देखा है मैंने, ये काम फौज पर छोड़ दो कि बालाकोट करना है उन्हें या और पाकिस्तान के अंदर घुस करके जाना है, ये फौज पर छोड़ दो। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि आज जो एयरफोर्स के पास सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं, क्या वो नेताजी के समय पर नहीं आए थे क्या? चलिए इसी के साथ इस बातचीत का अंत करते हैं। इश्क के इम्तिहान अभी ऐसे हैं कि कांग्रेस को दुत्कारना है, गठबंधन के साथ मोदी को ललकारना है, और क्या बोलना है और क्या छुपा जाना है, इस हुनर के माहिर हैं अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल जी आपका। For watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.